Hey guys, welcome back my channel Oxford English Academy. तो आप कैसे हैं? How are you? Hope that you are fine. आशा है कि आप अच्छे हैं, स्वस्थ हैं, वेल्दी हैं और हेल्दी हैं. तो आज की क्लास में मैं चाहता हूं कि आप जो है सो जिस तरह से मुस्कुरा के मुझे देख रहे हैं, समझ रहे हैं, पढ़ रहे हैं, आप अपने भविष्य में निरंतर प्रयत्न के रूप से माध्यम से आप बढ़ रहे हैं, विकास कर रहे हैं. मैं ऐसे ही चाहता हूं कि आपका भविष्य हमेशा बढ़ता ही जाए और आप कुछ ना कुछ अपने लाइफ में करते ही जाएं और आपके अंदर कुछ ना कुछ चेंजेस आते ही रहे और आप हमेशा छोटा मत रहना, बढ़ते जाना, कमाना, अपने समाज में इतना अच्छा बन जाना कि आपके सोसाइटी के लोग आपसे प्रेम करें, कि वो आपके बारे में लोग चर्चा करें, ताकि आपको जो है सो हमेशा दिमाग में एक ही बात सेट रहे कि आपको हमेशा चर्चा हो रहा है तो आपके अंदर डेवलपमेंट हो रहा है. समझ में आ रहा ना? यदि लोग आपको सम्मान करने लगे तो आप समझ जाना कि आपके अंदर कुछ चेंजेस आ रहे हैं. ठीक है, तो आशा करता हूँ कभी भी अपने आप को ऊंचा मत समझना, बड़ा मत समझना, क्योंकि पता है कभी भी अपने आप को अगर आप ऊंचा समझोगे, बड़ा समझोगे, तो आपके अंदर क्या घुस जाएगा? अहंकार. अहंकार मतलब होता है ईगो, घमंड. वो जब आपके अंदर आ जाएगा ना तो आपको बहुत प्रॉब्लम होगा. ऐसा प्रॉब्लम आपके साथ आने लगेगा. आप तो अपने ईगो, अपना अहंकार को लेकर के परेशान रहोगे कि मैं ये नहीं कर सकता हूँ, मैं ऐसे चल सकता हूँ, मैं जो हूँ से तो कोई कुछ नहीं. ऐसा कभी भी मत सोचना. आप अपने आप को हमेशा जीरो से तुलना करना कि मैं कुछ भी नहीं हूँ, मेरे पास कुछ नहीं है, अपने लाइफ में जीने के लिए कुछ नहीं है, सब दूसरों के लिए है. मैं जो करता हूँ मैं अपने लिए नहीं, दूसरों के लिए करता हूँ. तो उससे आपका फ़ायदा होगा, प्रॉफिट होगा. कैसे, मैं बताता हूँ. एक छोटा सा उदाहरण, छोटा सा एग्जाम्पल से आपको समझ में आ जाएगा, ये पॉइंट आपको क्लियर हो जाएगा, आप पूर्ण रूप से समझ जाओगे. देखिए, यदि आप छोटा, अपने आप को छोटा महसूस करोगे और इतना छोटा बन जाना ताकि हर बच्चे से लेकर के हर बूढ़े तक जो है सो आपसे प्रेम करे, बात करे. ठीक है, क्योंकि छोटा बच्चा जो होता है ना, एक छोटा सा बच्चा, उसे कोई ये नहीं समझता है कि वो बड़ा है. छोटा बच्चा को चाहे बुढ़ा हो, चाहे एडल्ट पर्सन हो, चाहे कोई चाइल्ड मतलब युवा व्यक्ति हो, या कोई भी पर्सन हो, कोई भी व्यक्ति हो, सब उस बच्चे के प्रति जो है सो पॉजिटिव सोचते हैं और उस बच्चे के पास जाते हैं ये सोच करके कि वो बच्चा जो है सो मासूम है, वो छोटा है, उसके अंदर घमंड नहीं है, उसके अंदर ईगो नहीं है, इसलिए सभी लोग उससे प्रेम करते हैं और उसके उसके अच्छाई को देखते हैं और मुस्कुराते हैं, खुशी महसूस करते हैं उससे बात करके. वैसे ही आप हमेशा अगर बच्चा बन के रहोगे, छोटा बन के रहोगे ना, तो लोग आपसे बेनरमी से एकदम बिल्कुल 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 एकदम हम्बल रूप से आपके पास पेश आएंगे, आपसे बात करेंगे. क्योंकि बच्चे से सब बात करते हैं तो आप तो बच्चे बन के रहोगे. आप हमेशा दूसरों के बात को सुनोगे, वो जो कहेगा आप उसको करोगे, तो लोग आपको समझेंगे, बोलेंगे वाह बहुत अच्छा है. और छोटा से ये फ़ायदा हुआ. अब बड़ा बनना है तो इतना बड़ा बनना अपने आप के लाइफ में, इतना बड़ा बनना कि हर बड़े भी जो है सो आपके पास नज़र झुका के आपके पास सम्मान से पेश आए, ताकि आपका रुतबा, आपका मर्तबा, आपका लाइफस्टाइल सब आपके लिए इतना बड़ा हो जाए कि सब आपके साथ जो है, आप खड़े हो तो सब आपके साथ खड़े हो, आप बैठो तो आपके साथ सभी बैठ जाएं. इतना बड़ा बन जाना तब मैं कहूँगा कि आप बड़े हो गए हो. लेकिन ऐसा कभी भी ईगो मत दिखाना कि मैं अहंकार, मेरे अंदर अहंकार है, मैं तो बड़ा हूँ तो मैं बैठूँगा, तो ये लोग क्यों खड़ा है, ये लोग भी बैठे अभी नहीं. आप बड़ा बनो, पढ़ो लिखो समझो तब. ठीक है, तो आशा करता हूँ ये जो मोटिवेशन जो मैं आपको बता रहा हूँ आपके लाइफ के बारे में, कि आपका लाइफ क्या है, उस पॉइंट को समझना था आपको. तो आपको एक बात याद रखना, एक और छोटा सा पॉइंट जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ लाइफ के बारे में, वो समझ जाना. क्योंकि देखिए, आपका जो ज़बान है ना, ये ज़बान, ये जो लोग कहते हैं ना मुंह,
मुंह इंसान को जो है ये बहुत बड़ा, इसको छोटा मत समझना, क्योंकि यही जो है आपको एक दिन आपको करोड़पति बना देगा, और यही जो है सो एक दिन आपको रोडपति भी बना देगा। अगर ज़बान आप अच्छा रखोगे तो आप करोड़ों रुपया के मालिक बन जाओगे, और अगर ज़बान आपका अच्छा नहीं रहेगा, आपके अंदर अहंकारी वाला भाषण निकलेगा, तो आप रोड पर आ जाओगे, सड़क छाप बन जाओगे, सड़क पर आ जाओगे। ठीक है, तो मैं आशा करता हूँ ये लाइफ के बारे में पॉइंट आपको समझ में आ रहा है। कभी भी एक बात और ध्यान में रखना, कभी भी दूसरे को दूसरे के बारे में मत सोचना। जो भी सोचना हो आपको अपने बारे में सोचना है, सिर्फ बच्चा की तरह एकदम बिल्कुल बच्चा, एकदम बिल्कुल चाइल्ड बन जाओ आप, ताकि बच्चों जब दूसरे से देखते ना वो अपने बारे में सोचते हैं, उससे दिखा उससे दिखा उससे दिखा उससे दिखा। दूसरे के बारे में कभी भी मत सोचना, दूसरे का प्रॉफिट मत देखना, आप अपने बारे में ही सोचना। आपसे दूसरा का क्या प्रॉफिट हो वो देखना, लेकिन दूसरा से आपका प्रॉफिट क्या है वो पहले मत देखना। पहले आपका काम है कि दूसरों को प्रॉफिट देना, दूसरे से प्रॉफिट लेना नहीं। क्योंकि जब आप दूसरों को आप प्रॉफिट दोगे तो वो खुद आपके पास मिलेगा। ऐसा मैं नहीं कहता हूँ, ऐसा जो है सो हमारे महान महान लोग जो होते थे, जो शिक्षित लोग होते थे, जो जो ज़्यादा एक्सपीरियंस थे, अनुभवी थे, हम लोग के लाइफ को दे करके गए हुए हैं, जो बता करके गए हैं हम लोग के जीवन के बारे में, वो जो है सो देखे हैं। हम लोग तो अभी शुरू हुए हैं, लाइफ को अभी समझे भी नहीं हैं। देखिए हम लोग अभी 2 साल से जो बच्चा होता है ना, मेरे एक शिक्षक थे, मेरे एक सर थे, वो हमें बताए थे कि बच्चा जो होता है वो 2 साल का उम्र से जो शुरू होता है, वो चाहे कितना भी बड़ा हो जाए लेकिन वो सीखता ही रहता है, सीखता ही रहता है। वो बच्चा बुढ़ा भी हो जाता है ना तब भी बढ़िया से सीख नहीं पाता है। वैसे इंसान हमें बनना है, ताकि इतना सीखना है, सीखते जाना। सही से पता है हम लोग को बोलने भी ढंग से नहीं आता है। मैंने अपने बाप को बोल रहा हूँ कि मुझे आता है, मुझे भी नहीं आता है, लेकिन मैं इतना जानता हूँ कि मुझे आपसे सुनना है, आपसे सीखना है और आपसे ही समझना है, तभी मैं अपने आप को एक अच्छा मूर्तिकार के रूप में बना पाऊँगा, एक अच्छा आकार दे पाऊँगा। तभी आप जो है सो अच्छा समझ सकते हो अपने लाइफ को, तभी आपको आपके अंदर की क्वालिटी जगेगी और आप जो है सो प्रेरित हो जाओगे अपने लाइफ में, और आप अपने जीवन को बेहतर बना लोगे। समझ में आ रहा है ना? कभी भी घमंड मत दिखाना अपने लाइफ में। आपको अंतिम समय में मैं सिर्फ 3 बात आपको मैं बता देता हूँ, उस 3 बात को आप फॉलो करना अगर आप अपने लाइफ में बेहतर चेंजेस चाहते हो, अगर अपने लाइफ को अच्छा बनाना चाहते हो, सम्मान पाना चाहते हो और बहुत ज़्यादा पैसा कमाना चाहते हो, बहुत ज़्यादा करोड़पति बनना चाहते हो, तो आप 3 बात सिर्फ याद रखना जो मैं आपको कहने जा रहा हूँ। ये 3 पॉइंट आपके लिए बहुत बड़ा और बहुत इफेक्टिव, आपके लिए महत्वपूर्ण रूप से आपके लाइफ को बनाने में काम आ सकता है। पहला समझिए क्या है कि कभी भी आपको पहला जो प्रॉफिट मैं बताने जा रहा हूँ, पहला जो काम आपको मैं बताने जा रहा हूँ सो सुनिए, कभी भी अपने आप को दूसरों से तुलना मत करना। जो आप है वही रहना, जो आपका मन में आएगा, जो आपका दिमाग कहेगा, जो आपको लगेगा वही करना। दूसरों को मत सुनना, दूसरों को बुराई मत करना, पहला। दूसरा, यदि आपको कोई कुछ भी कहे लेकिन आपको दूसरों के बारे में ही सोचना है, हमेशा ऑलवेज दूसरों के बारे में उस और पॉजिटिव नेगेटिव नहीं सोचना है, दूसरों के बारे में दूसरा का बुराई नहीं करना है। पॉजिटिव मीन्स क्या कि हमसे आपका क्या प्रॉफिट है, मैं आपके लिए क्या कर सकता हूँ, इस बात को आपको हमेशा दूसरों के लिए सोचना है। दूसरा पॉइंट जो मैं बता रहा हूँ मीन्स आपको स्वार्थी नहीं बनना है। समझ में आ रहा है ना कि दूसरा पॉइंट दूसरों के बारे में सोचना, दूसरों को भलाई के बारे में सोचना। दूसरा तीसरा पॉइंट जो है सो आपको मैं बता चुका हूँ पहले ही कि आप अपने अंदर की अहंकार को निचोड़ करके स्वयं को हल्का कर देना, ताकि आप ऊंचा हल्का हो करके जितना हल्का करोगे उतना ज़्यादा उड़ोगे, वो आप उड़ सको। मीन्स अपने आप को, अपने घमंड को, अपने अहंकार को कभी भी मत जो है सो आपको
आगे बढ़ने देना है। मीन्स आपका अहंकार, मैं कुछ नहीं हूँ इस दुनिया में, आप क्या हैं इस दुनिया में पता है आपको, इस पूरे ब्रह्मांड में, इस पूरे ब्रह्मांड जो आपको दिख रहा है ना, दुनिया इतना बड़ा रचने वाला जो गॉड है, विधाता है, भगवान है, वो इस दुनिया को जो रच दिया है, उस दुनिया में, पूरे यूनिवर्स में एक आपका ग्रह है। उस ग्रह में बहुत सारे दुनिया बसा हुआ है, ठीक है। जिस ग्रह मीन्स आपका ग्रह का क्या नाम है, पृथ्वी, उस ग्रह में बहुत सारे दुनिया बसा हुआ है, और उस दुनिया में बहुत सारे जो हैं सो देश हैं, देश बना हुआ है। उस देश में एक आपका अपना देश है जिसका नाम है इंडिया। इंडिया इज योर आवर कंट्री, इंडिया इज माय कंट्री, इंडिया है हम लोगों का अपना देश। उस देश में आपका एक अपना राज्य है, जैसे कि मेरा राज्य है झारखंड, तो आपका भी कुछ राज्य होगा, वही राज्य, तो उस राज्य में आपका एक अपना जिला है। आप समझिए, आप अपने आप को, मैं समझा रहा हूँ कि आप कहाँ हैं। आप अपने आप को सोचते हैं हमेशा कि मैं बहुत कुछ हूँ, मेरे अंदर बहुत कुछ है, मैं दूसरों को सिखा सकता हूँ, मैं दूसरों को पढ़ा सकता हूँ, लेकिन आप अपने आप को नहीं जानते हो कि मैं क्या हूँ, मैं अपने आप को कहाँ हूँ। आप अपने आप के बारे में समझिए। उस जिला के अंदर बहुत सारे कस्बा है, मोहल्ला है, गांव है, प्रखंड है, वैसे ही आपका एक अपना पंचायत है, वार्ड है। उस वार्ड के अंदर बहुत सारे गलियां हैं, उस गलियां में गांव है, एक आपका अपना गांव है, उस गांव में या उस मोहल्ला में आपका एक घर है, उस घर में बहुत सारे कमरे हैं, उसमें आपका एक अपना कमरा है, उस कमरे में आपका बहुत सारे साथी लोग रहते हैं, उसमें आप एक अपने से रहते हैं। तो आप सोचिए कि इस उस पृथ्वी से ऊपर यूनिवर्स से आप तुलना कीजिए, जहाँ पे पूरा गैलेक्सीज हैं, पूरे जो दुनिया को बनाने वाला है, वहाँ से आप तुलना कीजिए कि वहाँ से, और आप इस रूम से तुलना कीजिए कि आप कहाँ हैं। आपका रहने और ना रहने से इस पृथ्वी को, इस ब्रह्मांड को, इस यूनिवर्स को क्या फर्क पड़ेगा, बताइए। आप कल्पना कीजिए अपने आप को। अगर आपको इस पॉइंट समझ में आ गया होगा, छोटा सा पॉइंट, अगर कि लाइफ जो है सो आपको बेहतर बनाना है, तो आप समझ सकते हैं अपने आप को कि आपको करना क्या चाहिए और आप कर क्या रहे हैं, आपको होना क्या चाहिए लाइफ में और आप हो क्या रहे हैं, आपको अपने भविष्य के बारे में कैसे सोचना चाहिए पॉजिटिव, आप कैसे नेगेटिव सोच रहे हैं। दूसरों की बुराई नहीं करना चाहिए, और मैं दूसरों को बुराई करके मैं अपने अंदर की अच्छाई को खो दे रहा हूँ, ऐसा कभी भी मत बनना मेरे यार। एक बात याद रखना, जो मैं कह रहा हूँ उस बात को याद रखना, आपको हमेशा होल लाइफ जो है सो जीवन में काम आएगा, ठीक है। जैसे कि एक व्यक्ति जो है सो अपने प्रेम, जो प्रेम होता है ना, वो अपने प्रेमिका के लिए एक शायर बोला था कि गम से बढ़कर दोस्त कोई दूसरा नहीं, गम से बढ़कर दोस्त कोई दूसरा नहीं, सब जुदा हो जाते हैं पर गम जुदा होता नहीं। पता है ये शायर वो क्यों बोला था अपने प्रेमिका के लिए? क्योंकि वो अपने प्रेमिका से बहुत बेपनाह मोहब्बत करता था, प्यार करता था, और एक बार उसके साथ प्रॉब्लम यहाँ पे ये आ गया था कि उसकी जो वाइफ थी, उसकी जो प्रेमिका थी, वो उसे छोड़ दी थी। अब वो छोड़ दी थी जब उसके, तो उसे बहुत बड़ा झटका लगा था, उसे ऐसा लगा था कि जीवन उसके लिए नर्क बन चुका है, और वो पूरा एकदम परेशान हो गया था। अब एक बार जो है उसके मन में विचार आया कि मैं इस दुख को कैसे बयां करूं, दुनिया को किसको सुनाऊं, किसी पर उसको बिलीव नहीं था, विश्वास नहीं था, उसे हर व्यक्ति में नज़र आता था नेगेटिव कि मैं इनसे बोलूँगा तो ये मेरा अच्छाई नहीं दिखेगा, मेरा बुराई की ठीक हुआ इसके साथ, ऐसे ही होना चाहिए, मतलब उसका बुराई ही करता। इसलिए वो व्यक्ति क्या किया कि घूमते घूमते नदी के किनारे एक पेड़ था, उस पेड़ के पास जाके बैठा और शांति से, बिल्कुल शांतिपूर्वक अपने माइंड को स्थिर करके सोचा कि मैं कर क्या रहा हूँ, मेरे अंदर इतना सारा दुख कहाँ से आया। तो उसका मन में सिर्फ एक ही बात दिमाग से आया,
कि मैं खुद ही हूँ जो इस दुख को बड़ा कर रहा हूँ, मैं खुद ही हूँ इस जो महसूस करके अपने आप को बहुत दुखी महसूस कर रहा हूँ। इसलिए वो एक तर्क निकाला कि जो मेरा दुख है, जो मेरा सुख था उसको भूल जाओ, जो मेरा दुख है उसी से मैं दोस्ती कर लेता हूँ। हमारे अंदर जितने सारे दुख हैं, मीन्स जो गमी है हमारे अंदर, उससे मैं दोस्ती कर लेता हूँ। और वही दोस्त को जो है सो अपनी वाइफ से तुलना किया, बोला मेरा दुख मेरा गम से बढ़कर दोस्त कोई दूसरा नहीं है, मेरी वाइफ हो चाहे पत्नी हो चाहे महबूबा हो, सब जुदा हो जाएंगे लेकिन मेरा गम मेरा दुख कभी भी हमसे जुदा नहीं होगा। इसीलिए आपके साथ कितना भी लाइफ में प्रॉब्लम हो, कितना भी कंडीशन आ जाए, लेकिन आपके अंदर की जो दुख रहते हैं, जो प्रॉब्लम्स होते हैं, जो आपके प्रति, जो आपके बारे में लोग कुछ बोलेंगे, आप नेगेटिव हो जाओगे, उस नेगेटिव से ही दोस्ती कर लेना। देखना आप हमेशा पॉजिटिव सोचोगे, वो लोग सोच करके परेशान हो जाएंगे कि ये बंदा जो है सो इतना बढ़िया से कैसे सोचता है, इसको इतना कोई बुराई करता है लेकिन हमेशा सबके बारे में अच्छा ही बोलता, इसके अंदर आखिर है तो क्या है। लोग आपके बारे में सोचने पर मजबूर हो जाएंगे और आपका चर्चा करने लगेंगे। आप समझ जाना आप सही ट्रैक पर हैं और आपके अंदर चेंजेस आ रहे हैं। आशा करता हूँ ये छोटा सा लाइफ का क्लास आपको समझ में आ चुका है। नेक्स्ट क्लास में मैं आपको इसके अगले वीडियोस में मैं आपको द टेंस का, परफेक्ट टेंस का, परफेक्ट टेंस का काइंड्स मैं आपको बता देता हूँ कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, पास्ट परफेक्ट टेंस, फ्यूचर परफेक्ट टेंस, टोटल तीन होते हैं परफेक्ट टेंस। और वो टेंस का मैं आइडेंटिफिकेशन इसके बाद की क्लास में मैं लाऊंगा। ये क्लास जो है सो सिर्फ और सिर्फ लाइफ के बारे में था। मैं आशा करता हूँ आपको ऐसे ही क्लासेस आपको मैं दे सकूँ, इसीलिए आज की क्लास मैं यहीं पे समाप्त करता हूँ। आशा करता हूँ आपको ये क्लास अच्छा लगा हो। थैंक यू, हैव अ नाइस डे। जय हिंद, जय भारत।